वो बहुत अच्छा रहा है। आप देखिए रीवा का विकास ही देख लीजिए आप, हम बाहर तो नहीं बता सकते, पर आप रीवा का विकास देखिए। आज 2003 के पहले का रीवा देखिए और आज 2024 का रीवा देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। सर कामकाज तो प्रॉपर सांसद जी का नहीं रहा, पर भाजपा का जो एक संगठन का कार्य है वो बहुत अच्छा रहा है, उस वजह से रिपीट होना चाहिए। 2024 की तैयारी चल रही है, क्या लगता है रीवा में इस बार कौन चेहरा होना चाहिए, कैसा चेहरा होना चाहिए? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास अच्छा हो रहा है। और रीवा में सांसद? रीवा में सांसद बीजेपी का आएगा ऐसा लगता है, अभी पहले के चुनाव को देखते हुए तो बीजेपी ही दिखती है रीवा में। क्या उम्मीद करते हो कि इस बार चुनाव में सरकार कैसी बने, आपका सांसद कैसा हो जो आपके लिए भी सोचे? आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम कुछ अच्छी कोचिंग यहाँ पर हो। जो भी सांसद हमारे यहाँ से हों, ऊपर के तो सब अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं सब अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्तर पर कितना काम करते हैं वो देखना पड़ेगा सर। चुनाव होने वाले हैं, इस बार आप क्या चाह रहे हो रीवा में सांसद कैसा हो? विकास अच्छा होना चाहिए सर, जो कोई भी सांसद बने देश। अभी तक उन्होंने क्या काम किए कुछ आपको? अभी तक तो उनका भी नाम नहीं आया है, अच्छा कभी कोई काम नहीं कर रहा। राजेंद्र शुक्ल जी अच्छा काम किए हैं। तो देखिए ये और कुछ युवा भी हैं, लोगों से ही बात करके देख लेते हैं। सब फुल्की का इंतजार कर रहे हैं, चटपटी फुल्की है, और मैं भी इनके साथ शामिल हो जाता हूँ। बीच में थोड़ी जगह दे दो यार भाई। हाँ क्यों क्यों, चुनाव होने वाले हैं इस बार, क्या लगता है रीवा में सांसद कैसा होना चाहिए? अब जनार्दन मिश्रा को तो पहले से ही हो चुके हैं कुछ, इस बार तो बदलाव हो रहा है, हो गया चेहरा ही बदल दें, क्या दिक्कत है? तो इस बार हो ही रहा है, बदलाव होने जरूरी है। अभी तक कुछ ने काम नहीं किया कुछ। भाजपा थोड़ी ना अंकल जी चाहिए, कांग्रेस भी आना चाहिए, हर बार भाजपा क्यों आती है? सही बात है अंकल जी, कांग्रेस होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है, भाजपा जाइए इस बार। बार भाजपा जाती है, हाँ भाजपा क्यों आती है? कोई भी एक तरफा अगर झुकाव होगा ना, तानाशाही होगी। परिवर्तन भर होने पे कुछ नहीं होता है, सरकार पार्टी कोई भी है, हमें भी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वोट दे के हम लोग रीत जाते, फतन सरकार है जो करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। रामयुग पे ऐसा ही चला आ रहा है, कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। अब रही अपने सांसद जी की बात, वो तो कुछ करते नहीं है। बात है, आप खुद करोगे तब काम दिखेगा, काम दिखेगा तो लोग आपकी तारीफ। वोट दे के बस स्वतंत्र हो जाते हैं कि बस सरकार आ गई, बीजेपी आ गई, ये हो गया। हर पुराना बाजार शहर की जान होता है, और देखिए ये भी खासतौर से रीवा का पुराना बाजार है, आप देख सकते हैं कितना कंजस्टेड नज़र आ रहा है, लोग बाग भी हैं, खरीदारी भी करने पहुंच रहे हैं। और ख़ासतौर से क्या एक महिला होने के नाते कि क्या आपके क्षेत्र में होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के, उसका विकास करे जो भी है, तो दवाई अच्छे से हो, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में बेड वेड की हर चीज़ की व्यवस्था हो, दवा की, वही सब। वर्तमान वाले सांसद कैसे हैं आपके? अरे हो गया, कोई नहीं करते हैं काम, वो अपना खुद का है तो कुछ नहीं था। तो क्या चाहते हो, काम नहीं करते तो बदलाव होना चाहिए, कुछ दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। कुछ और युवा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाय चौपाटी का स्वाद लिया जा रहा है, शानदार दुकान है। क्या मन है रीवा का लोकसभा को लेकर? अभी मन तो अभी देखिए रिपीट होगी हमारे हिसाब से सरकार, हमको इतना जानकारी तो है नहीं अभी, एक ही जो ऐसे माहौल लग रहा है, जैसे अभी अयोध्या में अपना प्रोग्राम हुआ भगवान जी के प्रति, उसी सब परिवर्तन है अभी। बदलेगा तो और अच्छे से काम कर पाएगा, बिल्कुल विकास होगा, काहे ना होगा, जब बदलेगी सरकार तो, सरकार अगर यही रही तो अच्छा ही होगा। तो सांसद आपके अभी मिश्रा जी हैं, नए आदमी को चाहते हो? अब देखो नए आदमी, अब जनता क्या सोचती है उसके लिए क्या बता दे, चटनी है क्या? हम लोगों तो अभी मिश्रा जी ठीक है, अभी चटनी अच्छी डालना भैया इनके भाई साहब के चाट में ताकि स्वाद अच्छा है। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या है इस बार चाट वाट खा रहे हो? अब 24 की तैयारी भी है तो चुनाव कैसा रहेगा? बेशक बहुत अच्छा रहेगा, जैसा अभी विधानसभा का निकला है ऐसे उसका भी निकलेगा लोकसभा का। अच्छा है, संसद अभी जो फिलहाल में है वही आएंगे फिलहाल में। तो मिश्रा जी को दोबारा देखना चाह रहे हो सांसद? बेशक क्यों नहीं, मिश्रा जी आएंगे, जो अच्छा काम करेगा वो बेशक आएगा, हमेशा आएगा। अभी अच्छा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया है। कैसा स्वाद है संतरे का? अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा मीठा निकला। हाँ मीठा है। 2024 में भी चुनाव होने वाले हैं तो क्या चाहते हो सांसद कैसा निकले? अच्छा निकले, अच्छा विकास करे। आप लोगों ने 2023 का चुनाव हो गया, अब 2024 का चुनाव हो रहा है, आप क्या चाहते हैं कैसा हो रीवा? चाहती हूँ कि अच्छा हो, प्रगत हो, और क्या चाहती हूँ, ये मारामारी समाप्त हो जाए। कैसी मारामारी हो रही है? अरे चारों तरफ तो लपटी लपटा मारामारी, यही छेड़ा खानी करते हैं, ये सब समाप्त तो हो जाए, अच्छा अपना रीवा बने। क्या चाहते हैं सांसद कैसा हो रीवा का आपके?
सांसद अच्छा हो। अभी जो सांसद हैं उनके कामकाज से कैसा हो गया? ठीक है, चल रहा, अच्छा है। तो देखिए, ये मन में भाव है कि ठीक ही ठाक है। भाई साहब से भी बात कर लेते हैं, कैसा चल रहा है धंधा पानी? बहुत अच्छा चल रहा है सर। संक्रांति में ज्यादा लड्डू बिक रहे हैं, मिठास बहुत अच्छा है। इस साल त्योहार भी अच्छा गया। त्योहार और आने वाला है लोकसभा का, क्या तैयारी उसकी? बहुत अच्छा, हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही जीतेगी। और नरेंद्र मोदी ने जो अच्छा काम किया वो अच्छा है, और जनार्दन मिश्रा जी जो रीवा में बहुत अच्छा काम किया है उससे ही कारण जीतेगी। आप चाहते हैं कि वो दोबारा रिपीट हो? हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारे राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं तो रीवा को पहले कंजेस्टेड सिटी था, बहुत अच्छी सिटी बना कर दिया, बहुत अच्छा सुंदरता लाया इसमें। और इसके कारण ये भी है कि जब रीवा विकसित होगा तो जनता तो खुश होगी। तो चुनावी जायके में हम पहुंचे हैं सतना, और सतना के संतोषी माता चौराहा जो सतना का हृदय स्थल कहा जाता है, आप देख सकते हैं खासतौर से यहाँ पर अलग अलग सीमेंट फैक्ट्री हैं। और सतना में क्या कुछ आने वाले लोकसभा को लेकर लोगों के मन में है उसके लेकर हम बात भी करेंगे, जायका भी लेंगे कि आखिर सतना की जनता क्या चाहती है। क्या कहते हो भाई, इस बार कैसा सांसद होना चाहिए? इस बार ऐसा सांसद होना चाहिए कि जो कि विकास करे, है ना। और मैं तो चाहूँगा कि सपना दीदी आए, है ना, क्योंकि गणेश सिंह सांसद जी ने जो किया है तो वो तो सबको पता ही है। मैं तो कहूँगा कि सपना दीदी की इस बार सरकार होना चाहिए। अच्छा, गणेश सिंह भी सांसद रहे हैं, क्या कमियाँ रह गई? कमियाँ किसी में नहीं है, गणेश सिंह सांसद भी बहुत कुछ किए, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, है ना। तो मैं तो हृदय से कहूँगा कि सपना दीदी इस बार उनकी ही सरकार होना चाहिए। बीजेपी में कौन कौन चाहते हो? किस प्रकार नया चेहरा? नया चेहरा, पुराना चेहरा बहुत देखे, नया चेहरा आए कुछ करे सतना के लिए भी तो अच्छा लगे। पुराने चेहरे ने कुछ काम नहीं किया क्या? तो वो तो सबके सामने है सर, वो तो सबके सामने। आप ये यही रीवा जाइए, रीवा सतना से पहले कितना पिछड़ा था, और रीवा बेला से लगता है कि रीवा है बिल्कुल। एक फ्लाई ओवर अपने सतना में बना, वो कोई काम का नहीं। तो कम से कम नया चेहरा है, नया काम हो, सतना भी अपना आगे बढ़े तो अच्छा लगे सर। कैसा सांसद चाहते हैं इस बार? अच्छा होना चाहिए जो काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी तक नहीं किया है, काम करने वाला होना चाहिए बस। कोई अभी जो आपके मौजूदा सांसद हैं गणेश सिंह, अब क्या बताएं उनके बारे में, हम ठीक है पर उन्होंने काम कोई खास किया नहीं है। काम यही है लोगों का, मतलब रोड होना चाहिए जो अच्छी हर जगह देखते हैं, आप भी देखते हैं, सब देखते हैं कैसे क्या है, क्या सिचुएशन शहर में। नाली खोद देते हैं, फिर इसके बाद उसको पहले रोड बनाएंगे, फिर नाली खनेंगे, फिर रोड बनाएंगे, डबल डबल काम करते हैं। तो एक तरीके से होना चाहिए, सिस्टम से, कोई सिस्टम नहीं इनका। बदलाव होगा तभी तो कुछ ना कुछ करेंगे भाई, बदलेंगे, आज इस दुकान से लेंगे कल उस दुकान से लेंगे, तभी तो कंपटीशन होगा। बहुत जागरूक मतदाता है मध्य प्रदेश का, तुलना कैसे की जाती है कि यदि एक दुकान बदलेंगे तभी दूसरी दुकान पर जाएंगे? कैसा मोलभाव होता है कि भाई कैसा आपका सांसद हो ताकि वो काम भी करे, जैसे कि आप गन्ना भी खरीद रहे हो? हमारा सांसद स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे और नाली रोड ये बढ़िया हो, अपना शहर मतलब जैसे स्मार्ट सिटी बोलते हैं तो स्मार्ट सिटी जैसा होना चाहिए। स्मार्ट सिटी तो है ही नहीं है, नाम बस है स्मार्ट सिटी का। अपना ये है कि जो मतलब यहाँ काम हो तो अच्छा काम हो, बात सही है। नाली यहाँ खन देते हैं और सिल्वर लाइन क्या कर रहे हैं, फिर रोड हर जगह कहीं आप चले जाइए रोड एकदम ऊपर खाबड़ है। ऐसे पहले सतना आगे, रीवा से कितना आगे था सतना, आज डेट में सतना मतलब एकदम पिछड़ा हो गया, पीछे हो गया, सबसे पीछे। बदलाव जरूरी है। चुनाव के समय भी हम देखते हैं नेताओं की मांग डिमांड बढ़ जाती है कि हाँ इन नेताजी को मिलना चाहिए टिकट, उनको मिलना चाहिए। इस बार क्या कह रहा है? इस बार हो गया, यहाँ से तो कोई प्रत्याशी सही है नहीं, बस मोदी जी के नाम में पड़ेगा वोट, जो वही फेवरेट है अभी सबके। तो आपके जो मौजूदा सांसद हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति तो डाउन चल रही है अभी इस टाइम पे, सीधी सी बात है। भाई साहब अच्छे कह रहे हैं, कहाँ गए, कैसे हैं भाई साहब? सब अच्छे हैं अपने अपने जगह में भाई, सांसद जी भी अच्छे हैं, काहे नहीं अच्छे। अच्छा, जो काम काज आप चाह रहे थे वो किए हैं? अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, खास समझ में नहीं आता किसी के, होता भी है ना तो समझ में नहीं आता किसी के। मतदाता है बहुत कैलकुलेटिव है और भरोसा जताते हैं कई बार, लेकिन वो दाव सही नहीं हो पा। क्या उम्मीद थी सांसद से कि प्रत्याशी में बदलाव चाह रहे हैं? बाकी पार्टी तो सही काम कर रही है, लेकिन प्रत्याशी जो हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर हैं वो सही काम करके नहीं दे पा रहे हैं। हम जब मौजूदा विधायक का भी चुनाव हार गए तो क्या यही वजह है कि कामकाज नहीं किए लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
आज जब से इन्होंने सांसद बने तब से इनकी उपलब्धियाँ सतना में सिर्फ एक ही दिख रही है, जो आज बस स्टैंड में ओवरब्रिज बना है। इसके अलावा हमको आज तक इनकी कोई उपलब्धि हमको दिखी नहीं। बेटर रोड्स होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए एंड उसके साथ ही गवर्नमेंट को एजुकेशन की फील्ड पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान देना चाहिए कि लाइक स्कूलों में प्रॉपर गाइडेंस है या नहीं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं एंड ऑल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 12th में। कैसा कैंडिडेट होना चाहिए आपके साथ? कैंडिडेट जो लाइक एक मेजर चेंज ला सके सोसाइटी में एंड लाइक बहुत सारी फील्ड्स हैं जो किसानों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं एंड देन जो सोसाइटी की कंडीशंस को सुधार सकें, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। 2024 के चुनाव बहुत जल्दी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, देश में, कैसा उम्मीदवार चाहते हो आप? उम्मीद सरकार मोदी की होना चाहिए, मोदी जी की। और सांसद? सांसद तो गणेश सिंह को होना चाहिए यहाँ पर। ऐसे काम है जो आपको लगते हैं सांसद जी ने बहुत अच्छे की? लाइट है, पानी का दौर चल रहा है, पानी पहुंचा रहे हैं घर घर, यही अच्छा काम कर रहे हैं सांसद जी। भाई साहब समोसा खा रहे हैं, कैसा स्वाद है? एक नंबर, जबरदस्त जी जी। हाँ मस्त है, एक नंबर। 24 के चुनाव भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, चुनाव में कैसा मजा आएगा? हर पार्टियाँ मजबूत है, जैसे अपने विधानसभा में पार्टियाँ मजबूत थी वैसे जो है तो राष्ट्र जो है लोकसभा में पार्टियाँ मजबूत है। अब ये देखते हैं किसको टिकट मिलती है, उसके आधार पर भी तय होगा कि चुनाव का क्या। वर्तमान में तो आपके सांसद गणेश सिंह हैं, अब सांसद गणेश सिंह जी भी है लेकिन थोड़ा सा विधानसभा का चुनाव में थोड़ा सा अब देखते कल किसको टिकट मिलती है, उसके बाद डिसाइड होगा। 2024 में सरकार भी बनाना है, उसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों पर है? हाँ वो भी जिम्मेदारी हम लोगों की है, तो सरकार तो हम सब आप लोग मिलकर ही बनाएंगे, तो अब सरकार तो हो गए, अब क्या है, चल ही रही है अब क्या। लेकिन लोकसभा भी तो जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा आएगा तो उसमें फिर आदमी चुनेगा, है ना, कोई तो चुनना है। कैसा सांसद चाहते हो? हो गया सांसद अच्छा होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ अभी गणेश सिंह वर्तमान में सांसद हैं, तो क्या उम्मीद है आगे? गणेश सिंह हो गया, अब उम्मीदें तो अब आदमी रखता है, अब सांसद हैं एक बड़ी पार्टी के और 20 साल से भी हैं, अब लोग बाग जैसा भी देखे कैसा माहौल रहता है उस हिसाब से आदमी करेगा। विकास और ज़्यादा होना चाहिए एक हिसाब से, जैसे भाजपा की सरकार थी केंद्र में तो विकास उस हिसाब से नहीं दिख रहा जैसे चाहिए। बात कर लेते हैं दादा, क्या क्या आप बेच रहे हो, कैसा चल रहा है काम धाम? काम धाम चल रहा है, लोकल है, जैसे चल रहा है ठीक है, और क्या अब अवस्था के अनुसार बैठे रहते हैं। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, कैसा सांसद चाहते हो आप लोग? हम लोकल हैं तो हम लोगों को जो पुराना कहेगा वो मानेंगे, हम लोग क्या करें। गणेश सिंह सांसद हैं अभी, उन्हीं को चाहते हैं? नहीं वो नहीं चाहते हैं हमको। क्या स्थिति है पिछले 20 साल के कार्यकाल को देखें तो? अब एक हिसाब से ठीक भी है, कोई गलत नहीं है। चाहते हैं कि दोबारा मौका मिले तो और कुछ अच्छे काम हो पाए? हो सकता है, सरकार तो 70 भाजपा की बैठी है। और सांसद आप चूंकि मौजूदा में गणेश सिंह हैं, चाहते हैं कि उन्हीं को मौका मिले तो और अच्छा काम कर पाए जो रहेगा? हो सकता है बिल्कुल। मोदी है भाई तो मोदी निकलेगा। और सतना में? सतना में कुछ भी संभव है, जैसे कि जो टिकट के ऊपर पता चलेगा। अभी तो लगातार गणेश सिंह को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उन्हें सांसद बनाया, विधायक भी तो बना दिया, सांसद बनाएगी अब आप ही समझ जाइए, ये विधायक बना दिया है तो अब सांसद क्या बनाएगी। बारे में बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात भी कर रहे हैं, गंभीर बात भी है। भाई बड़े स्पीड में काम कर रहे हो, कैसा चल रहा है काम सब? बढ़िया। अच्छा जम गया सेटअप? सब बढ़िया। और सरकार ने कैसा काम किया? सरकार ने अब वो तो दिख ही रहा है कैसा काम किया। क्या क्या चाह रहे थे एक युवा होने के नाते, कैसा होना चाहिए? यहाँ के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। और कहीं हुआ? नहीं हुआ दूसरी जगह? हुआ ना संतोषी माता मंदिर में हुआ, वेंकटेश मंदिर में हुआ, बस सतना में इतना ही हुआ, और क्या हुआ। लोगों का खासतौर से फिलहाल रुझान आ रहा है वो यही है कि बहुत ज्यादा लोग कुछ गणेश सिंह को भी चाहते हैं, कुछ लोग बदलाव भी चाहते हैं, लेकिन ये तो पार्टी का मन है कि वो किससे मैदान में उतारती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सबका यही कहना है कि 20 साल से यहाँ पर मध्य प्रदेश में खासतौर सतना की बात करें तो सांसद गणेश सिंह है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो उम्मीद उन्हें थी वो पूरी शायद नहीं हुई। कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं, टमाटर ले रही हैं, क्या रेट चल रहे हैं टमाटर? 20-25 रुपए किलो भैया, 25 केजी।
तो अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी तो मुझे अच्छी नहीं दिख रही है भैया, नॉर्मल ही क्वालिटी है। सांसद की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? सांसद जी तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। हम तो चाहते कि हमारी महिलाएं आगे बढ़कर कुछ हिस्सा लें और महिलाओं को ही हमारे चुनाव का हिस्सा बना जाए। आपने वो मोदी जी का भाषण भी सुना है कि लोकसभा में कहा था कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लोकसभा में पहुँचें। जी जी, हमने सुना है। तो भाई यही चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए और हमारी जो सपना वर्मा जी हैं उनको हम लोग नियुक्त करें। पूजा पाठ करके आई, अभी तो सब कहीं चल रहा है। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी। क्या कहेंगे, 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो कैसा कैंडिडेट सतना के लिए होना चाहिए? हम चाह रहे हैं कि हमारा महिला वर्ग ही आए और महिला वर्ग हमको बहुत सपोर्ट करेगा और इसमें हमारी स्वप्ना जी जो है उनकी भावनाएं देखते हुए ऐसा लगता है वो सपोर्टफुल हैं बहुत और वो कार्य करेंगी। अलग लोगों से बात करके देख लेते हैं वो क्या चाहते हैं। क्या भाई, क्या चाहते हो इस बार सांसद कैसा हो? अच्छा होना चाहिए। कैसा, अभी गणेश सिंह सांसद हैं आप? बढ़िया है, ठीक है। अच्छा काम किया है तुम्हारा, उन्हीं को चाहते हो? जी जी जी। और दिल्ली में किसकी सरकार? जी दिल्ली में हो गया मोदी सरकार। और जाम जैसी स्थितियां शहर में बहुत हैं, आप देख सकते हैं। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है? नहीं, चुनाव तो बढ़िया है, इस बार मोदी जी आएंगे और हम चाहते हैं मोदी जी ही आए। मोदी जी दिल्ली में आएंगे, सतना में कौन? सतना में भी देखिए, जिसकी हम तो चाहते कोई नया चेहरा आए, बीजेपी में ही कोई भी चेहरा भी आए मगर आएगा बीजेपी ही आएगा। ये जो मौजूदा चेहरा है वो आप चाहते हैं या बदलाव होगा तो उस चेहरे के साथ भी आगे बढ़ेंगे? कुछ चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए इसमें। बहुत जाम लगा है, कब से वेट कर रहे हैं? आधा घंटा हो गए। अरे तो क्या नेता वेता को व्यवस्था नहीं जमाते? नेता यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा? सांसद जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा? क्यों, क्या उम्मीद थी जो काम नहीं करे उनने? कुछ नहीं किया, अपना काम किए बस, होगा। तो इस बार फिर? इस बार गए काम से भी, अभी विधायक ही गए, अब सांसद ही भी जाएंगे। सपना वर्मा ठीक है, बल्कि दादा में बड़ी नाराजगी है कि गणेश सिंह तो गए, आप किसी नए को चाहते हैं। ये तो धीरे धीरे लोग भी पहुंचते जा रहे हैं और खासतौर से क्या भाई, क्या माहौल है 2024 का? माहौल तो सर देख ही रहे हैं, अभी जाम तो बहुत तगड़ा फंसा है, जाम देखिए नुकसान हो गया पीछे सर। देखिए जाम लगा है और लोगों की ये नाराजगी भी है कि जिस तरीके से लोगों की उम्मीद थी वो शायद पूरी नहीं हो पाई है। ये चौक बाजार यहाँ पर कहलाता है खासतौर से, यहाँ पर जाम जैसी हालात यहाँ पर बने हुए हैं और ये शायद मेन बाजार है लेकिन जाम जैसे हालात बने हैं, तो इसको लेकर कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं चला क्या? दुकानदार जो है दुकानें थोड़ा सा आगे लगा रहे हैं जिस वजह से जो है प्रॉब्लम होती है बसों की, थोड़ा सा दुकानदारों को भी सहयोग करना चाहिए ताकि दुकानदारों को सहयोग करना चाहिए, सबसे मेन मैटर वही है। खुद को समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि जो उम्मीद वो कर रहे हैं वो उन उम्मीदों पर खरा उतर सके। लगातार हम देख रहे हैं नारी सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे हैं, ये है सरकार। और एक ज्वेलरी शॉप है, आप देख सकते हैं जो यंग चेहरा है वो आपको तस्वीरों में स्माइल करते हुए नजर आ रहा है। 2024 में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, किस प्रकार का नेता होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए जो स्पेशली ग्रोथ करे? क्योंकि अभी तक के एरिया में अगर हम देखें ना तो हमारे यहाँ एजुकेशनल ग्रोथ या इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं तो बहुत रेयर मिलता है। हमारे घर के मतलब कह सकते हैं कि अभी हमारी यंगर एज बाहर जाके अपनी स्टडीज करती है ये वो, तो हमें भी चाहिए कि कोई फीमेल ऐसी आनी चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज को समझे। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और लोकसभा में बिल भी पारित हो चुका है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, 33% आरक्षण मिल गया। तो आप क्या चाहते हैं, इस बार सतना में कुछ बदलाव हो? ऑफ कोर्स चाहते हैं कि कोई फीमेल अगर आए जो सपोर्ट करे और चीज़ें को मैनेज करे, कुछ ग्रोथ लाए, तो इट्स ऑब्वियस कि हाँ हम भी चाहते हैं कि कोई फीमेल का आना ज़रूरी होना चाहिए। बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ लोग गणेश सिंह को चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है और सबकी अलग अलग ख्वाहिश है। लेकिन अब 2024 के चुनाव में किसे कैंडिडेट घोषित करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सतना में अब एक बदलाव की मांग उठने लगी है। और चुनावी जायक लेने पहुंचे हैं हम सीधी, जहां से खास तौर से बीजेपी ने सांसद रही रीति पाठक को चुनावी मैदान में उतारा था और अब वो विधायक हैं। ऐसे में अब 2024 को लेकर सीधी लोकसभा से कौन उम्मीदवार होगा, कैसा उम्मीदवार होगा और जनता किस तरीके का प्रतिनिधित्व चाहती है और किसे सांसद देखना चाहती है, इसको लेकर चर्चा करेंगे और लेंगे सीधी का चुनावी जायका।
सीधी के गांधी चौक में है इस वक्त। खास तौर से हम देख रहे हैं ये प्रमुख चौराहा कहा जाता है, गांधी चौराहा यानी कि शहर का सबसे पुराना चौराहा गांधी चौराहा कहा जाता है। देखिए दुकानें भी हैं और कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। क्या माहौल है इस बार, क्या चाह रहे हो, सीधी का सांसद कैसा? सीधी का सांसद सर हमारा जो सीधी का है विकास अच्छे से करें और जो भी है जो भी कमियां हैं उसको। क्या कमियां हैं? बहुत सारी दिक्कत है सर, ताकि शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ध्यान दे, शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षा नहीं तो देश नहीं। बाबा क्या कहेंगे, 24 का चुनाव हो रहा है, अब तो राम मंदिर भी। पूरे भारतवासियों से मेरा अनुरोध है कि जय माता की, जय गुरु की। हमने ये चाहते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री जो भी बना तो आज तक नशा के विरोध में, मांसाहार के विरोध में कोई नहीं किया। कहते हैं कि ड्राइवरों की गलती है, शासन तो पहले नशा को बंद कर दे, नशा बंद कर देगा ऑटोमेटिक 90% बुराइयाँ घट जाएगी भारत से अपने। सीधी में नशा जो है वो ज़्यादा है क्या, बहुत शराबखोरी होती है? 1% है, 100 में 101% है। उसके चलते कुछ और भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, पूर्ते विवाद झगड़ा मार पीट पूर्ते यही कमी है, नशा खाली, मैं नशा है, नशा के सिवाय और कुछ नहीं है। क्या चाहते हो इस बार, कौन सा आपका सांसद बने, कोई पुरुष बने या महिला बने? अब कोई भी बने सर, हम लोग को क्या करना है। बात यह है कि जब चुनाव की बारी आती है तो तब तो बोलते कहते हैं कि चुनाव है चलो हमको वोट चाहिए, तो हम लोग समझ के दे देते हैं, उसके बाद हम लोग को भागना ही पड़ता है, इधर उधर भगाने लगते हैं, जहाँ उनका काम हो जाता है फिर हटो हटो, ये यहाँ से हटो वहाँ जाओ, हम लोग को तो मारा ही मारी है चाहे कोई भी बन जाए। आवास में घर भी मिल गए सब, वो तो बहुत अच्छा हुआ। आपको भी मिल गए? हम घर नहीं लिए सर, अपने से बनवाए थोड़ा बहुत करके और हमने नहीं लिया, लेकिन जिसके लिए नहीं था चू रहा था घर, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए एक बहुत अच्छा भाव है, यही भारत की नारी है, ये उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत से घर बना लिया, लेकिन जिन लोगों के पास घर नहीं था उनको बीजेपी की सरकार ने घर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी एक सौगात भी है उनके लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया इस बार क्या कह रही है सीधी की जनता, आप क्या कह रहे हैं? सीधी जनता ही बीजेपी कर रही है भाई, जो काम अच्छा करेगा वही। तो आप इस बार कैसे उम्मीदवार की आप उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीदवार जैसे पार्टी बेस पे नहीं रहेगा, उस यानी काम करना चाहिए उसके हिसाब से वोट पड़ेगा। तो अभी बाद में पड़ेगा, लेकिन पहले उम्मीदवार, तो आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे अभी आपकी सांसद रीति पाठक थी, अब वो विधायक बन गई हैं, तो उनके स्थान पर कैसे व्यक्ति को टिकट मिले, कोई महिला के की स्थान पर महिला को मिले या किसी पुरुष को मिलना चाहिए? अब देखिए पार्टी चुनाव वाले बताएंगे। आप क्या चाहते हो बच्चा? पुरुष को मिलना चाहिए, पुरुष भी आ गया। हम लोगों का सबसे मेन विकास ही मुद्दा है, जो विकास के पथ पर आगे रहेगा वही हम लोगों का लक्ष्य है। सीधी में रीति पाठक अब विधायक बन चुकी हैं, तो इस बार अब क्या लग रहा है किसको टिकट मिलना चाहिए? टिकट इस बार कोई नया चेहरा आना चाहिए, हर चीज तो नया हो रहा है तो इस बार भी कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। अब इस बार बीजेपी का कोई नया कैंडिडेट आए, नए उम्मीद व्यक्ति से ज्यादा उम्मीदें रहती है? बिल्कुल ज्यादा उम्मीद रहती है भाई, नया भी कोई आए, अभी तो पुराने चल रहे हैं, अब नया कोई आए। कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? कामकाज तो ठीक ठाक है, अच्छा काम है, अब जब से बीजेपी सरकार है तब तो अच्छा ही काम है। क्या भाई साहब 2024 का चुनाव आ रहा है बहुत जल्दी, क्या स्थिति है सीधी की इस बार? सीधी इस बार जो है तो भाजपा ही रहेगी, भाजपा रहेगी, पर उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, तगड़ा, जो काम कर सके। सांसद रीति पाठक थी, अब विधायक बन गई, दूसरा उम्मीदवार होना चाहिए, वो तो विधायक बन चुकी है। विधायक बन गए इसलिए दूसरा उम्मीदवार होना चाहिए, काम अच्छा नहीं हो पाया क्या? काम अच्छा नहीं, जो वादा की थी वो पूरा नहीं कर पाई। क्या क्या बेसिक जरूरतें हैं सीधी की? सबसे पहली जरूरत तो देखिए रेलवे आना चाहिए, बहुत जरूरी है, और ये बाजार में जो है तो ट्रैफिक लगता है, तो इसमें ओवर ब्रिज बनना चाहिए, और फिर रोजगार के लिए कुछ न कुछ नए अवसर आने चाहिए। ये बहुत अच्छा ही बात है कि रोजगार के अवसर भी बनना चाहिए, ताकि नए लोगों को मौका मिले, रोजगार मिले और उनका भी काम धंधा चलता रहे। भाई साहब आप क्या कहेंगे सीधी में इस बार? क्या सीधी में, मैं भी चाहता हूँ कि अच्छा उम्मीदवार आए, अभी तो हमारे पूर्व सांसद महोदय विधायक हो गई हैं और इनका भी अच्छा काम था, 10 साल सांसद थी तो सीधी में काफ़ी विकास करी है, सीधी सिंगरौली व्यवहारी तीनों मिला के था,
लेकिन सीधी में रेलवे लाइन का काम हम लोग भी सोचते हैं कि जल्दी शीघ्र हो जाए और बेरोजगारों को नौकरी मिले उसमें। वो विधायक बन चुकी हैं तो क्या लग रहा है उम्मीदवार दोबारा आप किसी महिला सांसद को चाहते हैं या चाहते हैं पुरुष सांसद? कोई भी आए लेकिन बढ़िया विकासशील हों और उनके विचार अच्छे हों जो कि सीधी का विकास कर सकें, क्योंकि सीधी सबसे पिछड़ा जिला है। हमारे विंध्य में भी सीधी में विकास की भी किरणें पड़ी नहीं हैं और कोई ऐसा प्रत्याशी मिले जो सीधी पर विशेष फोकस करे, क्योंकि सिंगरौली वैसे भी ऊर्जाधानी है। तो अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं और ये प्रमुख चौराहा है यहाँ का जहाँ पर हम देख रहे हैं बाजार भी सज गया है और ज़्यादातर लोग अब यही चाहते हैं कि उम्मीदवार अच्छा हो। तो कुछ लोगों की डिमांड ये भी है कि बदलाव होगा तो और बेहतर विकास होगा। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सुबह शर्मा, बंसल न्यूज़।